अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 9.4 में हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज गिवन होंगी उनको। कैसे प्रूव करना है, आपको दो साइड्स गिवन होंगी, आपने एक साइड चूज करनी है और दूसरी साइड बना देनी है। अब कौन सी साइड चूज करनी है, आपने मेरा बेटा वो वाली साइड चुननी है जो मोर कॉम्प्लिकेटेड हो, जो ज़्यादा मुश्किल नज़र आए वो चुनी है। और अगर दोनों साइड एक जैसी कॉम्प्लिकेटेड हैं तो फिर वो जो सी मर्जी साइड आप चूज़ कर लेंगे दूसरी साइड उससे आसानी से बन जाएगी। अब ये जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि टैन थीटा प्लस कोट थीटा ये बराबर आना चाहिए आपका कोसिकेंट थीटा सिकेंट थीटा के। अब आप क्या करेंगे, जो मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड है वो चुन लेंगे, मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड है टैन थीटा प्लस कोट थीटा चुन ली। अब आपने करना क्या है, आपको जो साइड गिवन है जो आपने चूज की है वो टैन थीटा कॉट थीटा की फॉर्म में है, आपने जो आंसर लेके आना है वो लेके आना है कोसिकेंट थीटा सिकेंट थीटा के बराबर। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे टैन और कॉट को साइन कॉस वाली फॉर्म में। तो उसके लिए आपको पता है कि जो टैन थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, और जो कॉट थीटा बराबर होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा के। तो ये यहाँ पे पुट करें, टेन थीटा हो गया जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस ये हो गया जी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, पुटिंग हो गई जी। अब आपने करना क्या है, ये फ्रैक्शन बन रही है और आपकी फ्रैक्शन एलसीएम से हल होती है, एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा जी कॉस थीटा साइन थीटा। अब कॉस से कॉस गया, एक साइन थीटा ये और एक साइन थीटा ये क्या बन जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, साइन से साइन गया तो एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा ये तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर हल कर लेते हैं, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा वही कॉस थीटा साइन थीटा। अब एक बात याद रखिएगा कि साइन थीटा का स्क्वायर ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, मतलब आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉस थीटा होल का स्क्वायर, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब अगर आप गौर करें तो आपके पास ये क्या बन रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी बन रही है, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो वन के बराबर होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो ये क्या आ जाएगा वन, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा वन आ जाएगा ना, क्योंकि ये वन के बराबर होता है। अब ये वन आ गया और नीचे क्या आ गया कॉस थीटा साइन थीटा। अब आपने क्या बनाना था, आपने प्रूव करना था कि इसका आंसर है कोसिकेंट थीटा सिकेंट थीटा। कोसिकेंट क्या होता है, ये होता है वन ओवर साइन थीटा, और सिकेंट क्या होता है, ये होता है वन ओवर कॉस थीटा। अगर आप गौर करें तो दोनों चीजें यहां पे मौजूद है ना, आप क्या कर सकते हैं इन दोनों को सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, और यहां पे आप इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। ये देखिए वन ओवर साइन थीटा मौजूद है, वन ओवर साइन थीटा क्या होता है, वो होता है जी कोसिकेंट थीटा, और कॉस थीटा भी मौजूद है, ये क्या होता है सिकेंड थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन था, यही आपने बनानी थी, यही आपकी राइट हैंड साइड थी। आप यहां पे क्या कर सकते थे, आप बेशक अलग अलग भी लिख सकते थे अगर समझ नहीं आए तो, वन ओवर कॉस थीटा अलग कर देते, वन ओवर साइन थीटा अलग कर देते, यूं करके बात तो वही है ना, वन ओवर साइन क्या होता है कोसिकेंट और वन ओवर कॉस क्या होता है सिकेंट होता है। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, आप लिख देंगे विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस हम प्रूव कर रहे थे ना, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था जी एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ये जितने भी क्वेश्चन है इनको हल करने के लिए आपको फार्मूलाज का आना जरूरी है, और वो फार्मूलाज का जो लेक्चर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। जितने भी फार्मूलाज हैं आप तैयार कर लें,
अगर आपको फार्मूलाज आते होंगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान होगी, अदरवाइज आपको ये डिफिकल्ट लगेगी।